लगता है पीए में 6 महीने आपकी जुल्फे संभालता रहेगा। मैं समझी नहीं मैम। कोई एक बाल, कोई एक लट मुझे बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। आज तो एक मैडम बेहोश हुई है, इसके बाद कोई मैडम बेहोश ना हो। छोड़ दे, कवर हो जाए इधर। मरोगी क्या? क्या सारा मुद्दा मुझ पर डालोगी? मुद्दा जिसकी भी सर डले मेरी बला से। हमें अपनी कहानियां और उनके नाम बदलने पड़ेंगे किरण। कम से कम अपनी बेटी के लिए मैं इनाम में शादी नहीं रख सकता। देखा, दरख्तों के सारे पत्ते चले गए। जब पत्ते आएंगे तो एक तय मूवी होगी, और जब जाएंगे तो दूसरी। हम पीएमए में पत्तों के आने जाने से टाइम गिना करते थे। इट्स ब्यूटीफुल, पूरी सड़क पत्तों से भर गई। फॉल है ना, फॉल में ऐसे ही दिखता है। लेकिन भाई क्या बात है पीएमए की बहार में, इट्स ऑसम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब बहार होती है तो हम नहीं होते। बस मत करो। पोएटिक हो रहा था, तुम्हें तो मेरा पोएटिक होना कितना पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन ऐसी बातों पे कौन पोएटिक होता है। 7 साल हो गए हमारी मोहब्बत को, और शादी के 100 साल बाद भी ऐसे ही रहने वाला है। अच्छा, चाहे मैं रहूं ना रहूं। सुमैया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। उफ, कहाँ से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, और तुम मजाले के पलट कर देख भी सको। बट अ कोइंसिडेंस, पोस्टिंग हो गई है यहाँ पे। हाँ, और तुम? हाँ, हमारी भी अब तो 2 साल होने वाले हैं। तुम कहाँ गायब हो गई हो? मैं तो कहीं गायब नहीं हुई, गायब तो तुम हुई हो। जब से भाई की स्पेशलाइजेशन हुई है यूके में, तुमने तो रब्ता ही नहीं किया। नहीं यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तो अपनी पड़ी रही, किसी से भी रابطہ नहीं रखा मैंने। और तुम सुनाओ, भाई कैसे हैं? तुम कितनी अच्छी लग रही हो। हाँ वो तो मैं पहले से ही हूँ। तो फिर तुम बताओ, किसी दिन तुम लोगों का खाना वाना करते हैं? हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी। और फोन नंबर तो दो, तुम्हारा नंबर मैंने डायल किया था, वो तो लग ही नहीं रहा। काफी चीजें तब्दील हो गई हैं, फोन नंबर भी है। मानूर कैसी है? अच्छी है। तुम्हें पता है, जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था तो वो 3 महीने की थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी। हाँ, शरारती भी। पटून! होशियार! पटून कायम! अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम मैडम। जगह ले मैडम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम मैडम। ठोन आसान बाज लौटे वाले मैडम। ठोन हो शार ठोन खान असा मैडम। वालेकुम सलाम। ठोन नजर ठीक है स्टाफ। अच्छा मैडम, एलसी सिद्रा को क्या हुआ है? मैम उनकी कमर में मोच आ गई थी। कमर में मोच? मैडम मोच नहीं थी, वहम था। तो सारे वहम दूर कर लें, पीएमए में नई बीमारियां इंट्रोड्यूस ना करें। जी मैडम। और एलसी नेथमी? उनका पेट खराब हो गया। नेथमी, व्हाट डिड यू ईट?
मैम पाकिस्तानी फूड। Why didn't you eat Sri Lankan food? और एलसी शाइस्ता को क्या हुआ है? एलसी शाइस्ता को बुखार है। कहाँ है बुखार? मैम इधर ही था। अब नहीं है और अब कभी आएगा भी नहीं। यस मैम। मैम मेरे यहाँ टखने में दर्द हो रही थी लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। अगली बार आपके एक टखने में दर्द हुआ तो दूसरा मैं खुद तोड़ूंगी। तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल साया ए खुदाए जुल्जलाल। तराने का मफहूम आता है आप सबको? नो सर। ये जो कौमी तराना अभी आप लोगों ने पढ़ा है इसकी लाइंस का मतलब क्या है? Anyone who can tell me what our national anthem means? And all of you are highly qualified. Some masters, some doctors, some engineers, some even gold medalists. और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौमी तराना जो आप अभी पढ़ रही थी उसका मतलब क्या है? ये वही कौमी तराना है जो बचपन से आप पढ़ती आई हैं, लेकिन आप में से कोई मुझे ये नहीं बता पा रहा कि उसमें आप कह क्या रहे हैं। हाईली डिसअपॉइंटेड एलसीज, हाईली डिसअपॉइंटेड। सर कल से हर लड़की को तराने का मफहूम आता होगा। आज इवनिंग का सेशन मैं खुद कंडक्ट करवाऊंगा। ये लोग किसी चीज से खुश नहीं होते चाहे कुछ भी कर लो। सारी रात रोमन लिख लिख के रट्टा मार मार के तराना याद किए और अब कहते हैं मतलब ही बताओ। वैसे बात तो सही है, ये तो मैंने भी पहली बार सोचा है कि तराने का मतलब क्या होता है। पाक सर जमीन शाद बाद, कीश्वरे हसीन शाद बाद। ओए होए अम्मा, आपको भी साथ जाना चाहिए था ना। आप साथ होती तो आपको पता चलता कि कितनी इज्जत मिल रही है मुझको और शाइस्ता को। बड़े बड़े ऑफिसर जो है ना सलूट मार रहे थे और बोल रहे थे कि आपकी बेटी पीएमए की बेहतरीन ऑफिसर बनकर निकलेगी। जल्दी चल आना। मैडम आपको सीधे और उल्टे का फर्क नहीं पता कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है? मैडम ये आपका सीधा था उल्टा है। मैडम मैंने आपसे उल्टे हाथ का पूछा सीधे हाथ का पूछा स्टाफ। मैडम तो आप उल्टा क्यों बता रही है? स्टाफ आप उल्टा सीधा पूछ रहे हैं ना। मैडम इंशाल्लाह सॉर्ड ऑफ ऑनर लेकर निकलेगी मेरी बेटी। तो क्या पोच का दिमाग खराब हो गया कि मेरे वली मोहम्मद को छोड़ के शाइस्ता को भर्ती कर दी है? मैं पूछती हूँ अब क्या बॉर्डर पे औरतें लड़ेंगी? क्यों वली मोहम्मद? जी दादी। तो फादर जी बड़ी इज्जत दी फौज ने, उन्होंने कोई फर्क ही नहीं रखा कि हम क्रिश्चियन हैं या कोई और हैं, और आरजू को तो बहुत शाबाश दे रहे थे, साथ ही हमें सलूट भी बड़े पड़े। हमारी आरजू सारी लड़कियों में अलग ही नजर आ रही थी। फादर चले चला वन टू थ्री चला खड़े जाओ। मैडम आप पीएमए की तरह की पहली कैडर बनेगी जो ड्रिल के दौरान जलेबी और पकौड़े बना रही है। स्टाफ ड्रिल कर रही हूं। सर ड्रिल नहीं, ड्रिल की बेस्ती खराब करना कहते हैं। समझ लड़के
मुझे तो शुरू से ही आपके बेटे का सितारा बहुत ऊंचा लगता है और बेटी आरजू ने पूरी कम्युनिटी में से इतनी इज्जत दिलाई कि पहले ऐसी इज्जत हमने नहीं पाई। देखा एग्नेस, फादर क्या कह रहे हैं? कमांडेंट खुद रिसीव करने आया था हमें कि माशाल्लाह आपकी बेटी यहाँ आ गई है, इतनी लायक, इतनी काबिल बेटी। माँ बाप कितने काबिल होंगे कह रहा था। हमारी तो ऐसी आओ भगत हुई कि हम तो तवक्को भी नहीं कर रहे थे। और माँ जबीन की तो क्या ठाट है वहाँ, है ना? अरे वाह, साफ नहीं हो रहा। मैडम, मैंने कौन सा आपको केडू की पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया है जो आपसे नहीं हो रहा? आपसे ड्रिल नहीं हो रही मैडम। साफ कर तो रही हूँ ड्रिल में। ये जो आप कर रही हैं इसको ड्रिल नहीं कहते? क्या कहते हैं फिर इसे? ड्रिल की छल कहते हैं। बंद ले और आज से जल्दी छोड़ आना। वन भाई, सच पूछो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी इज्जत करवाएगी माँ जी बहन हमारी, इतना नाम बनाएगी हमारा। जनरल तो वो जरूर बनेगी, वहां सब लोग यही कह रहे थे। बस मेरी बेटी ने जिद की और मैंने रोका। वैसे मेरी बेटी जहां भी जाती है माशाल्लाह झंडे गाड़ कर आती है, और इस दफा भी इसने पीएमए में कहानियां छोड़कर आनी है, मुझे पूरा यकीन है। आई एम सो प्राउड ऑफ वन रेडी चेक। छोड़ दे मैडम, छोड़ दे, आप छोड़ दे मैडम अपनी जगह पे। क्या ये चल? घर का माहौल शुरू से ही आर्मी वाला था, बाप भाई दोनों आर्मी में, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पास आउट करेगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? इसका हमें यकीन है पूरा। जैसा इज्जत उधर सरदार और उसके बेटे को मिला ना, बिल्कुल उसी तरह का इज्जत हमको और हमारे बेटी को भी मिला। सौ किलो खून बढ़ा दिया हमारा उसने। अभी खानदान और कबीले का इज्जत उधर से पास आउट होकर और बढ़ाएगा वो। मैडम परिवाश, इस तरह की ड्रिल तो कब्रिस्तान में मुर्दे भी नहीं करते। इस तरह की ड्रिल के साथ तो 100 साल के बाद भी आपका स्टूडेंट टेस्ट पास नहीं होगा। समझो देखे भाई से चले चला उठो नंबर से जल्दी छोल ठो। शेर जैसा दिल है हमारा बेटी का, शेर जैसा। बलोचों का दिलेरी और जुर्रत है उसका अंदर। ऐसा आंखों में आंखें डालकर उधर सबसे बात करेगा और मुकाबला करेगा। जमाल, तुमको सरदार बुला रहे। सलाम सरदार, आपने बुलाया सरदार? बेटी को शहर में पढ़ा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ, फिर फौज में भर्ती कराया, किसी ना पूछा ना इजाजत लिया। बता तेरे को सजा क्या दूं? जी सरदार, बच्ची को शौक था, वो उधर भाई के घर गई थी, खुद से पढ़ना लिखना शुरू किया उसने। बेवकूफ बनाते क्या, पागल समझे क्या? बेटी को लड़कों के साथ पढ़ाया, किसी को खबर नहीं। गोल्ड मेडल हुआ उसका, क्या पढ़ा के क्या करना चाहते हैं? बगावत करेगा क्या? नहीं नहीं सरदार, खुदा वो दिन नहीं लाए कि हमको ऐसा जरूरत हुए। आप हुक्म करो, आप बोलोगे तो बुला लेगा वापस उसको फौज से। फौज से वापस बुलाएगा? फौज छोड़ेगा उसको क्या? सुबह की नहीं होगी हमारा और कबीले का? अब जो हो गया
सो हो गया। अब दोबारा ऐसा कुछ ना करना कि मुझको तेरी खबर लेना पड़े। नहीं नहीं सरदार, बस बस ये पहला और आखिरी गलती समझकर उस माफ कर दो, आइंदा नहीं। जाया जी, सलाम। आपकी बराबरी की है सरदार, इसने जहां आपका बेटा गया है वहां भेज दिया अपनी बेटी को इसने। पर लड़का लड़की बराबर थोड़ी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि लड़की हरा दे लड़के को। सरदार का बेटा ही जीतेगा हर चीज में। To come here, don't go too close. Mama, Baba, prince lag rahe hai. Yes, princess ki madad karne wale. Mama, yes, wo wale prince. हेलो किरण, कम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं तो इंतजार करती रही कि मुझे कॉल आएगी या वीकेंड पे तुम मेरी तरफ आओगी। ये मानूर है? हाँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है। ये आफरीन है। आफरीन शेक इन करो। ठीक है, मैंने गो प्ले, जा गो प्ले। ओके गो। फोन निकालो सबसे पहले अपना और मुझे नंबर दो। तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास, मैं तुम्हें अपना नंबर टेक्स्ट कर दूंगी। अब अगर तुम ना आई ना मेरी तरफ इस वीकेंड पे, तो मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। ज़रूर, क्यों नहीं। इस वीकेंड एक्चुअली कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पे, लेकिन जब फ्री होंगे तो ज़रूर तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगी। अच्छा, तैमूर भाई को बताया हमारे बारे में? हाँ हाँ बताया। ओह माय गॉड, मैं भूल ही गई, मुझे ग्रोसरी के लिए जाना था। मैं तुम्हें अपना नंबर भी टेक्स्ट करूंगी, फिर तुमसे फ्री होकर कॉन्टैक्ट भी करूंगी, ठीक है? Okay. अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। मानूर, कम, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे सामने आज इवनिंग का सेशन एलसी के साथ मैं खुद कंडक्ट करूंगा। आपका बेटा घर शिफ्ट हो रहा है तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। सर, नो इश्यूज, आई विल मैनेज। नो नो, आई एम फ्री एंड आई वुड लाइक टू कंडक्ट इट मायसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज़। बाबा ब्रिज लग रहे थे। अच्छा, मम्मा कह रही थी आप वो वाले प्रिंस लग रहे थे, तो वो जो प्रिंसेस की हेल्प करते हैं। अच्छा, मामा कह रही थी? मैंने नहीं कहा, ये आप कह रही। आप भी कह रही थी मामा। कहाँ जा रही थी मेरे बगैर? नहीं, वो मैंने सोचा घर जाके चाय बना लेती हूँ। गुलजमान है ना उसके लिए। और हम इस मुल्क के परचम को कभी सरनिगू नहीं होने देंगे। एक एक जुमला
जैसे वाकई उनके दिल से निकल रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे कानों में ना कौमी तराना गूंज रहा हो, और मेरे हाथ में एक गन है और मैं बॉर्डर पे खड़ी हुई हूँ। So I hope आप सबको कौमी तराने का मफहूम अब आता होगा। And you can explain it to me? सर मैं कर सकती हूँ। Okay रबिया। पाक सर जमीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद, ए पाक जमीन तू शादाबाद रहे और तेरा हुस्न ऐसे ही रहे। तो अज़्म का निशान है और कौम मुल्क सल्तनत। मैंने आपसे ट्रांसलेट करने के लिए नहीं कहा था एलसी रबिया, मैंने आपसे कहा था कि वो कौमी तराना जो आप बचपन से पढ़ती आ रही हैं उसका मफहूम क्या है। सर वो इतनी मुश्किल उर्दू में समझ ही नहीं। उर्दू में नहीं है, फारसी में है, इसलिए तो समझ नहीं आती। इंग्लिश समझ में आती है आपको? यस सर। तो फिर फारसी भी समझ में आ सकती है अगर वो आपका कौमी तराना हो तो। यहाँ काकुल में आकर फौज का यूनिफॉर्म पहनने और ये हलफ लेने के बाद कि इस मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, तब ये कौमी तराना सिर्फ लफ्ज़ नहीं रह जाते। और हर रोज सुबह सवेरे जब आप ये कौमी तराना पढ़ें तो अपना ये अहद दोहराएं, पाक सर जमीन शादबाद, ऐ मुकद्दस जमीन तू हमेशा खुशहाल रहे, कीश्वरे हसीन शादबाद, हमेशा बसती रहे मेरी खूबसूरत जमीन, तू निशान अज़्म आली शान, तू बुलंद हिम्मती का निशान है अर्ज़ पाकिस्तान, मेरी पाक सर जमीन, मरकज़े यकीन शादबाद, ईमान का ये मरकज हमेशा कायम और दायम रहे, पाक सर जमीन का निज़ाम कुव्वते अख़ुव्वते अवाम, इस मुल्क का निज़ाम यहाँ पर रहने वालों की आपसी मोहब्बत, भाईचारे और इतिहाद से चलता है, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदाता बिंदाबाद, ये कौम ये मुल्क ये सल्तनत हमेशा जिंदा रहे, हमेशा रोशन रहे, शादबाद मंजले मुराद, और अपने हर मकसद को यूं ही खुशहाली के रास्ते पे चलते हुए हासिल करें। परचमे सितारो हिलाल, ये चांद सितारे वाला परचम रहबरे तरक्की ओ कमाल, हमारी तरक्की और उरूज का रहनुमा है, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल साया ए खुदा जुल जलाल, ये हमें हमारे शानदार माजी की याद दिलाता है, हमारे आज की अजमत को बयान करता है और यही हमारे आने वाले कल की कुव्वत बनेगा। और हम इस मुल्क को कौम के लिए अल्लाह ताला की हिफाजत मांगते हैं। पता है जब हम सियाचिन की चट्टानों पे होते हैं ना तो यही वो कौमी तराना है जो हमारा लहू गर्माता है। जब हम अंधेरी सरदों में 48 घंटे की नींद से बोझल आंखें लिए बैठे होते हैं ना तो यही वो कौमी तराना है जो हमारी आंखें बंद होने नहीं देता, हमें गाफिल होने नहीं देता। जब हम जानते बूझते गोलियों के सामने अपना खून बहाने खड़े होते हैं ना तो यही वो कौमी तराना है जो हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि हमारे खून का एक एक कतरा रायगा नहीं जा रहा, वो इस कौम इस मुल्क इस सल्तनत की हिफाजत के लिए बह रहा है जो ईमान का मरकज है। So, ये कौमी तराना जुबान से नहीं पढ़ना, दिल से आवाज आनी चाहिए। और हर रोज सुबह को जब आप अपने दिन के आगाज से पहले ये कौमी तराना पढ़ें तो अपना वो अहद दोहराएं, अपने दिल दिमाग रूह को एक जगह पे रख के कहें, हाँ इस मुल्क को कौम की इज्जत और हुरमत सबसे ज्यादा मुकद्दस है और बाकी कुछ नहीं। और अगर जान देनी पड़ जाए
तो हम तैयार हैं, और अगर इससे बढ़ के हमारा मुल्क कोई और कुर्बानी मांगता है तो भी हम तैयार हैं। और हम इस मुल्क के परचम को कभी सरनिगू नहीं होने देंगे। यह है कौमी तराना। Sir, you spoke so well. I was impressed. Thank you. लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप घर जाके अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें। सर, मैं गई, जाकर देखा उसे और जल्दी से वापस आ गई। सर, एल्सिस को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। यही जज्बा होना चाहिए एक प्लेटून कमांडर का। सर, मेरे एक प्लेटून कमांडर थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। सर, पहले वो अच्छे नहीं लगते थे लेकिन जब पास आउट हो गई तो आज तक याद आते। सर, वो कहते थे प्लेटून कमांडर पता है कौन होता है, जब आप मर रहे होते हैं तब भी आपको प्लेटून कमांडर का चेहरा नज़र आता है। ठीक कहते थे वो, ऊपर आसमान में खुदा होता है और नीचे ज़मीन पे फौजों के लिए प्लेटून कमांडर। इन्हें जिन्हें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इनके कानों में हमारे जुमले गूंजने चाहिए लॉन्ग आफ्टर देयर गॉन। हमारे जुमले उनके जहनों में अटक जाने चाहिए लॉन्ग आफ्टर देयर गॉन। और जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आए तो यही वो जुमले हैं जो उनको रास्ता दिखाएंगे। सर, आप एसएसजी के बेहतरीन कमांडोज में से, मुझे अंदाज़ा नहीं था आप इतने बेहतरीन इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। अभी तो चंद दिन गुजरे हैं, इतनी जल्दी अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। खुदा हाफिज़। सलाम सर। ऐसे कमाल है मेजर उसामा, एक एक जुमला जैसे वाकई उनके दिल से निकल रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। हाँ, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं, ऐसे कभी किसी ने समझाया। Why were you all crying when Major Usama was talking? He said something that it was very emotional. What was that? He elaborated the meaning of our national anthem. You didn't know that before? It's embarrassing, but no. Also, nobody ever explained it the way he did. Maybe that's why. I see. मैं तो इतनी मोटिवेटेड हो रही थी, मैं दिल चाह रहा था कि ऐसे ही जाके जान कुर्बान कर दूं। क्या मतलब? बस कुछ कर दूं जाके पाकिस्तान के लिए। हाँ, सच कह रही हो। वैसे मुझे लग रहा था जैसे मेरे कानों में ना कौमी तराना गूंज रहा हो, और मेरे हाथ में गन है और मैं बॉर्डर पे खड़ी हुई हूँ और मैं वहां अकेली हूँ।
और मेरे सामने मेरी सारी जमीन है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं अकेले सिंगल हैंडेडली इसकी हिफाजत करूं और किसी को इस पर एक कदम ना बढ़ने दूं। हमारा मुल्क है प्यारा वैसे, है ना माजुबी? हाँ है तो प्यारा। Look at the beauty of this tree. कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत का कोई दरख्त। ये हमें का हर दरख्त और फूल जन्नत का ही है। मैंने तुम्हें कहा था ना शादी के बाद हनीमून पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ लाऊंगा, है ना हसीन जगह? बेहद हसीन। सुनो, हमारी पोस्ट यहाँ नहीं हो सकती क्या? अभी कहाँ, अभी तुम्हारे हस्बैंड को बहुत से हार्ड एरियाज में सर्व करना है, फिर अगर किस्मत हुई तो। यहाँ पे घर कितने खूबसूरत है ना, हमें भी कोई ऐसे ही घर मिलेगा। चलो अब तुम इस घर पर नजर लगा दोगी। तुम्हें तो पता है मेरी जुबान कितनी काली है, जो सोचती हूँ हो जाता है, जो मांगती हूँ मिल जाता है। इसलिए तो तुमसे दुआ करवाता हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं जन्नती हूँ। जन्नती कैसे? सही जो हूँ। कम ऑन प्लीज, इधर तो अभी ऐसी बातें मत करो, हनीमून पर आए हैं हम। अच्छा चलो नहीं करता। मानन का घर यहाँ है ना? रे इट्स आउट ऑफ बाउंड, ये नो गो एरिया है। तेरा बड़ा दिल करता है इसको अंदर से देखूं। हाँ कभी दिखाऊंगा मौका मिला तो। हाँ हो सकता है हम यहाँ आए गेस्ट बनकर या फिर मिस्टर एंड मिसेस कमानन बनकर। चाय पियेंगे? हाँ नहीं। जी क्यों बुला रही हो? मामा आप गुम हो गई थी, मैं आपको ढूंढ रही थी। गुम नहीं हुई थी, मैं तो यही हूँ आपके पास। मामा आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप रो रही हैं। नहीं बेटा रो नहीं रही, मेरी आंखों में बस पानी। Okay, just water? Yes, just water. Mama, अब आ गए। कहाँ मैं आ गया? मैं आपको मिस कर रही थी। Really? कितना? इतना। बस इतना सा?
आ जाओ, लेट्स गो, कम। द सैक्रेड ड्यूटी टू डिफेंड दिस कंट्री इज सैक्रेड, 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 sacred, 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 sacred. The sacred duty to defend this country is more glorious than anything. ठीक है ना माजबी? बिल्कुल ठीक है. इस तरह रटा लगा लो, फिट हो जाएगी तुम्हारी स्पीच. ठीक है, ठीक है. The sacred duty to defend this country is more glorious. Glorious than anything. दूध का डब्बा है फालतू? क्या मतलब? है नहीं है, देना नहीं है. इसका मतलब है गिरा. चलो जाओ, चलो शुरू हो जाओ. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. सेक्रेड ड्यूटी टू डिफेंड दिस कंट्री इज मोर ग्लोरियस देन एनीथिंग. इट इज आवर अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. रबिया, ये मेरी असाइनमेंट देखना, ठीक है? मैंने पहले ही देख लिया था, कुछ चीजें ठीक नहीं थी, मैंने मार्क कर दी. ये देख लो. थैंक यू रबिया. अगर तुम ना होती ना तो ये चीजें मुझे मर के नहीं समझ में आनी थी. वैसे खामखा फौज में आ गई हो, तुम्हें तो उस्ताद ही होना चाहिए था. इस वीकेंड पर आप सब लोग अपने अपने घर खत लिखेंगी. यस मैम. खत? मैम किसको? घर में कौन होता है? फैमिली. एग्जैक्टली, फैमिली. आप सब लोग अपनी फैमिली को खत लिखेंगे. लेकिन मैम, खत में लिखेंगे क्या? जो दिल चाहे वो लिखें. आप यूं फील करें जैसे आप उनसे कम्युनिकेट कर रही हैं. घर में किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी को खत लिखें. मैम, ये खत उन्हें मिलेगा या फिर यहीं रखा रहेगा जो हम उन्हें लिखेंगे? ऑफ कोर्स, खत यहाँ से भेजा जाएगा, वहाँ रिसीव होगा और उसका जवाब आएगा. आप लोगों को होम सिकनेस हो रही है तो आप अपने घर खत लिखा करें. आप में से हर कोई हर वीकेंड पर खत लिखेगा. यस मैम.